नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल को कहा था रात्रि 9 बजे कि सभी देशवासियों को दिया, मोमबत्ती, टॉर्च, मोबाइल की लाइट यानी घर को अंधकार में डाल के आप जलाएं, लेकिन सोचने की थोड़ी सी बात यह है कि मोदी जी ने यह कहा, इसलिए कहा, देश की जनता से झूठ बोला। 5 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, इसलिए कहा मोदी जी ने। यह बात जनता समझ नहीं पाई क्योंकि मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जनता को कंफ्यूज ना करे तो मोदी जी हो ही नहीं सकते। तो मैंने पुतला इसलिए जलाया, ये मैं पॉइंट दर पॉइंट आपको समझा रहा हूं इस बात को। पुतला जलाने का मेरा उद्देश्य इसलिए था कि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधान हैं और सारे उनके अधीन हैं, सारे उनके एक हिसाब से देखी जाए जनता तो बच्चे हैं, और किसी भी गार्जियन को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और बढ़िया तरीके से रखना चाहिए, किसी तरह की किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की जवाबदेही है क्योंकि हम जो सरकार चुनते हैं, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो या पंचायत का एक मुखिया ही जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो उसकी ये जवाबदेही होती है कि मेरे पंचायत में, मेरे राज्य में किसी को दिक्कत ना हो, मेरे देश में किसी को दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम चुनते हैं। जिस दिन लॉकडाउन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केवल 3 घंटे का समय दिया, मात्र 3 घंटे का, जो कि ये कोरोना वायरस दिसंबर के महीने से फैल रहा है। 3 महीने तक जब भारत में कोरोना वायरस नहीं फैला कोई खास, तो 2-3 दिन में ऐसा क्या हो जाता जो अचानक से नरेंद्र मोदी जी को ये फैसला लेना पड़ा। ये सोचिए, अचानक से, और समय नहीं दिया देश की जनता को। तो क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री अपने आप को है, देश के जिम्मेदार सबसे बड़ी पोस्ट पे है, उस व्यक्ति का क्या यह कर्तव्य नहीं बनता था कि कम से कम एक हफ्ते के लिए देशवासियों को, उनको खास तौर से जो मजदूर हैं, जो बाहर निकले हुए हैं घरों से, उस व्यक्ति को अपने घर तक जाने का क्या अधिकार नहीं था? ये प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है, मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है, क्या उनको ये अधिकार नहीं था? बहुत स्वागत करता मैं इस फैसले का यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते देश की जनता से कि जो गरीब आदमी, मिडिल क्लास है, जो मजदूरी करते हैं, खासतौर से डेली बेसिस पे कमाते हैं, डेली खाते हैं, उन व्यक्तियों के लिए राशन पानी हम पूरी तरह से बंदोबस्त कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, और जो व्यक्ति घर जाना चाहते हैं वो घर चले जाएं, जो व्यक्ति वहां रुकना चाहते हैं रुक जाए, हमने उनके लिए ये इंतजाम किया है। ये एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, एक मुखिया का ये कर्तव्य होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अचानक से आते हैं और जैसे किसी को कैद कर लिया जाता है, उस तरीके से पूरे भारत को कैद करने का, एक एक नागरिक को काम किया जाता है। दूसरी तरफ दूसरी गलती मैं दिखा रहा हूं आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या गलती की, बैंक खुले रहने की बात कही, चलिए बैंक से समझ में आता है, दवाई से भी समझ में आता है, लेकिन खाने पीने की सामान भी उन्होंने खुला छूट दिया, लेकिन जो उनके पुलिस अधिकारी हैं, उनके पुलिस अधिकारी
जब आदमी घर से बाहर निकलता है, कोई बैंक जा रहा है, तो उसका स्वागत चारों तरफ से जैसे कोई कोई शिकार नहीं फंस जाता है। जैसे आप देखते होंगे कहीं से कोई शिकार फंस गया और चारों तरफ से कुत्ते नोचना चालू कर दिए, उसी तरह से आज हमारे भारत की पुलिस कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उसको चारों तरफ से उस कुत्ते की तरह पीटना चालू कर देते हैं। तो क्या यह इंसानियत है? इसकी डायरेक्शन कौन देगा? और लॉकडाउन अभी नहीं है भारत में, नहीं के बराबर, सिर्फ एक नाम है लॉकडाउन का। क्योंकि बाजार में चले जाइए, सब्जी मंडी में तो हजारों की हजार भीड़ लगी रहती है, तो उससे क्या कोरोना वायरस फैलेगा नहीं? सब्जी हो, खाने पीने की कोई पदार्थ हो, ये सरकार की जवाबदेही बनती है कि उनके घर तक लोगों को कैसे पहुंचाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। यदि कोरोना वायरस से हम लोग को निजात दिलाना है और उससे उभरना है तो ये भारत की सरकार का और अपने अपने मुख्यमंत्रियों का, जो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये उसकी जवाबदेही है। जो व्यक्ति जिस पंचायत के मुखिया हैं उनको निर्देश दे कि वो अपने पंचायतों में अपने अपने नागरिकों को उसको खाना पहुंचाने का काम करे, साग सब्जी पहुंचाने का काम करे। ये सब चीजें एक मुख्यमंत्री का काम है, एक प्रधानमंत्री का काम है, एक मुखिया का काम है, ये सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं हर समाज के। लेकिन हो क्या रहा है देश के अंदर? कोई व्यक्ति दवाई लेने जा रहा है तो उसको चारों तरफ से पुलिस वाले दै दनादन, हाथ की सफाई हो रही है। जो व्यक्ति पैदल चल के आ रहे हैं उसको पुलिस वाले मार रहे हैं, उससे ये नहीं पूछ रहे कि भाई आपने खाना खाया है कि नहीं। कल मैं कई वीडियो ऐसे देखा हूं कि 5 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची रोड पे पैदल चल रही है, उसके पैर से खून निकल रहा है और वो चिल्ला रही है, माँ बाप कर रही है। क्या ये हमारे देश का इंसानियत है? ये हमारे प्रधानमंत्री का इंसानियत है? ये मुख्यमंत्री का इंसानियत है? क्या ये आप लोग को सही लगता है? यदि प्रधानमंत्री जी पुतला फूकने का अब आ जाते हैं कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी मैंने पुतला आपका इसलिए फूका कि आप देश की जनता को मूर्ख बनाते हो, आप देश की जनता का दिमाग कहीं और भटका के कुछ और कराते हो। यदि 5 अप्रैल को देश की जनता से आप ये अपील करते कि आओ हम सब मिलकर एक सौगंध लें, एक प्रतिज्ञा लें कि हमारे समाज में, आस पड़ोस में जो व्यक्ति मुसीबत में फंसा हुआ है, एक दूसरा पड़ोसी उसकी मदद करेगा, इसका संकल्प लेते तो निश्चित रूप से तहे दिल से स्वागत करता प्रधानमंत्री जी मैं आपकी बातों का। यदि ये कहते अपने सारे मुख्यमंत्रियों को, अपने सारे विधायकों को, अपने सारे क्या कहते हैं सांसदों को, क्या आप अपने क्षेत्र में जो जहां के विधायक हैं, जो जहां के नगर पारिषद हैं, जो जहां के मुखिया है, आप अपने क्षेत्रों का एक एक नागरिक का ख्याल रखें, किसी को किसी चीज की तकलीफ नहीं होती, नहीं होनी चाहिए, तो मैं प्रधानमंत्री जी आपका स्वागत करता, तहे दिल से स्वागत करता। क्योंकि ये एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक मुखिया का ये दायित्व बनता है। शायद इसीलिए जनता उनको चुनती है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी उल्टी सीधी बातें करते हैं देश की जनता से और देश की जनता को बर्बाद करने का काम ये देश का हमारा प्रधानमंत्री करता है। ये कड़वी सच्चाई है। मैं बहुत धन्यवाद करता उस दिन, पुतला मैंने दहन इसीलिए किया है उस दिन कि आप इस देश की जनता को मूर्ख बना रहे थे, इसका मैंने विरोध किया है। और आज फिर मैं आपसे कह रहा हूं
14 तारीख यदि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन गरीब मजदूरों के विषय में कोई फैसला नहीं लिया, जो व्यक्ति भूख से मर रहे हैं, जो व्यक्ति पैदल चल रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की माननीय प्रधानमंत्री जी, तो फिर से भारतीय मित्र पार्टी आपका इस लॉकडाउन के अंदर पुतला दहन करूंगा, फिर से मरवाना हो मरवा दो भाई, सरकार आपकी है, आप कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन विरोध तो करूंगा अगर आप सही दिशा पे सही काम नहीं करेंगे, देश की जनता के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, देश की जनता को नहीं देखेंगे। आखिर आपने जो ये प्रधानमंत्री राहत कोष होता है उससे अलग हटके पीएमओ का जो एक ऐप बनाया है और उस ऐप के जरिए अरबों रुपया, ऐसा सुनने को आता है 6,000 करोड़ रुपया आपने चंदा हासिल किया है देश की जनता से, आखिर उस चंदा का क्या हुआ? ये चंदा का हिसाब किसको देंगे आप? और यदि 6,000 करोड़ रुपया आपको चंदा मिला है तो मैं तो समझता हूं इस देश का एक एक गरीब आदमी को आप बेहतर मदद कर सकते हैं, जो डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं, जो फंसे हुए हैं, उन सब व्यक्तियों का आप बेहतर इंतजाम कर सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि शायद जितने कॉल आपके पास नहीं आ रहे हैं उससे अधिक कॉल धनेश्वर महतो के पास आ रहा है, लोग हमसे मदद मांग रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। शर्म चुल्लू भर पानी में केंद्र सरकार को डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि आपको जनता ने चुना हुआ है और आपका जितना वेबसाइट है वो सारे वेबसाइट के सारे फोन नंबर जो आपसे संपर्क करने की चीजें हैं वो बंद पड़ी हुई है। देश की जनता का ये है, तो किसके लिए आपने ये नंबरे सब जारी किया था माननीय मुख्यमंत्री जी? बिहार भवन का जो दिल्ली में आपने नंबर दिया था, क्या वो आपका नंबर चालू है? मूर्ख बना रहे हैं आप बिहार की जनता को। ज्यादा दिन ये नीतीश कुमार जी 15 साल हो गए ना, अहंकार सातवें आसमान पे आपको चढ़ गया है, देश की जनता उतार देगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की जनता को आप एक बारी दो बारी मूर्ख बना सकते हैं, तीसरी बारी नहीं। और जो रोल आपका चल रहा है अभी देश की जनता के प्रति, गरीब आदमियों के प्रति, बहुत जल्दी आपका पर्दा उठ रहा है, धीरे धीरे देश की जनता समझ रही है आपकी राजनीतिक को। ये जो हिंदू मुसलमान का फैला के बीमारी, और हमेशा आप राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, इस लॉकडाउन के अंदर भी आपने मुस्लिम समाज को और आपकी जो ये गोदी मीडिया है इसको, इसके जरिए जो आपने एक मुस्लिम समाज को बदनाम करने का काम किया है, जितनी भी निंदा करें भारतीय जनता पार्टी की उतनी ही कम होगी। मैं तो एक चीज आपसे कह रहा हूं, पूरे देश की गरीब जनता से, जहां भी जो लोग फंसे हुए हैं उनसे, कि यदि 14 तारीख को आप लोग को केंद्र सरकार ने बेहतर इंतजाम नहीं किया, खाने पीने का इंतजाम आपका नहीं किया 14 तारीख तक, या आपको घर भेजने का इंतजाम नहीं किया टेस्ट करा के, तो मैं ये अपील कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान की जनता से, जो जहां फंसे हुए हैं वहां पे विरोध दर्ज करें नरेंद्र मोदी सरकार का, तब जाके इसकी नींद टूटेगी सरकार की, क्योंकि यह सरकार आज अहंकार में चूर है, घमंड में चूर है कि नहीं देश की जनता मेरे साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह सरकार जनता को मूर्ख बनाने का काम करती है और जनता मूर्ख बन जाती है, यह भी कड़वी सच्चाई है।
क्योंकि देखिए पहली बार आपको याद है ना क्या कहा था माननीय प्रधानमंत्री ने, घंटा घंटी थाली लोटा सब पीटो। थाली कब पीटा जाता है मेरे प्यारे देशवासियों समझते हो? जब हमारे ऊपर कोई आफत आती है, हमारे अंदर खाना पीने का कुछ, वहां हम पीटते हैं खाली है खाली है। तो मोदी जी ने कहा ये देश की जनता का घर में राशन पानी खत्म होने वाला, अभी से पीटना चालू कर दो। समझो उसकी लॉजिक को। उसके बाद उसने कहा कि 5 तारीख को घर की लाइटें बुता दो। ये कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने, घर की लाइटें बुता दो। तो पूरे देश की जनता ने घर की लाइटें बुता दी। घर की लाइट कब बुताई जाती है? जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो जाता है, तब लोग शोक के अंदर घर की लाइटें हम बंद कर लेते हैं। तो मोदी जी का इशारा साफ था कि आपके ऊपर पहाड़ टूटने वाला है, केंद्र सरकार आपके ऊपर सर के ऊपर पहाड़ तोड़ने वाली है, इसलिए आप लोग पहले से इसकी तैयारी कर लो। इसीलिए मोदी जी ने कहा था घर की लाइट जला लो। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 5 अप्रैल को था, मोमबत्ती जला के पूरे देश की जनता मना लो। ये 5 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी मना नहीं सकते थे। अच्छा, थाली लोटा क्या प्रधानमंत्री ने पीटा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने दिया उस दिन जलाया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस उस दिन था। यह सच्चाई है। और मैंने पुतला फूंक दिया तो जो उनके लफुए लफंडर कार्यकर्ता हैं आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के, उठाई गिरे। उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी माँ बहन की गाली उठाई गिरा। इसीलिए कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति यदि किसी की माँ बहन उसके परिवार को भद्दी भद्दी गालियां देता है तो उसे उठाई गिरा कहते हैं, उसे लफंडर कहते हैं। राजनीतिक तो इतने सालों से है, अरे वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी, पूरी दुनिया उनकी सराहना करती थी, एक से एक लीडर थे उस टाइम में। आज तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हिंदुस्तान के जितने लफंडर हैं, जितने क्रिमिनल हैं, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हुए हैं, क्योंकि उनके लैंग्वेज की कोई सीमा नहीं है। किसी की मां बहन करना, ये संस्कार है आज भारतीय जनता पार्टी में। कौन करता है और कौन इसका डायरेक्शन देता है और कौन उनको सिखाता है कि आप विपक्षी को देशद्रोही बोलो? क्या पिछले 70 साल में भारतीय जनता पार्टी, और जब गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी तभी उसी टाइम में गुजरात के ही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था और उस टाइम में कहा था कि आरएसएस एक सनकी संगठन है, आरएसएस एक आतंकी संगठन है। लेकिन चार साल बाद जवाहरलाल नेहरू ने बैन हटा लिया। ये जवाहरलाल नेहरू का मैं समझता हूं सबसे गलत कदम उठाया हुआ था, जिसकी खामियाजा आज कांग्रेस स्वयं भुगत रही है। तो जब भी कोई चूक होगी तो देश की जनता उसको भुगतेगी। अच्छा, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने क्या विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा था? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ा था? क्या 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे इसके ऊपर नहीं लगा था? क्या किसानों की दुगुनी आय कर देंगे इसके ऊपर नहीं लगा था? क्या अच्छे दिन आएंगे इसके ऊपर नहीं लड़ा था? हम स्विच बैंक से सारा काला धन अपने देश के अंदर लाएंगे इसके ऊपर लड़ा था। लेकिन 2019 का चुनाव किस पे लड़ा? 44 जवान हमारे पुलवामा के अंदर शहीद करा दिए गए और उस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा गया। 2019 में विकास के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा था प्रधानमंत्री ने, क्योंकि विकास किया ही नहीं, देश का विनाश किया। दोबारा यही इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का। बुरी लगती है भाई तो उसमें मैं क्या करूं? काम आप करोगे तो आलोचना तो होगी,
काम गलत करोगे प्रधानमंत्री जी तो आलोचना तो होगी। 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं फिर से याद दिला रहा हूं कि जो यूपी बिहार झारखंड के हमारे मजदूर फंसे हुए हैं उनका इंतजाम करिए और उन व्यक्तियों को बेहतर खाने की सुविधा उपलब्ध कराइए। हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, यदि 14 तारीख को उनको आपने उनके घर तक या उनके लिए बेहतर इंतजाम नहीं कराए तो फिर 14 तारीख को भारतीय मित्र पार्टी पुतला दहन करेगी आपका। और सबसे ज्यादा मुझे कॉल, मोदी जी आपके जो गृह क्षेत्र है गुजरात, गुजरात से ही लोग मदद मांग रहे हैं हमसे, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात होगी। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय श्री राम, जय मां भगवती। मां भगवती आप सबको सतबुद्धि दे। जय माता की।